हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाएंगे चॉकोबार, वो भी 5 स्टार की चॉकलेट से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। जब इतनी जल्दी से बन जाएगी तो कौन नहीं बनाना चाहेगा घर पर आइसक्रीम, और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बना देखती हैं किस किस चीज़ से मैंने इसको बनाया। ये 5 स्टार चॉकलेट लिए, और मैंने ये लिए यूज़ एंड थ्रो वाले, जो चाय कॉफ़ी वाले कप होते हैं वो। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 5 स्टार की 3 चॉकलेट्स मैंने डाली हैं। अगर आपको 3 से 4 आइसक्रीम्स बनानी हैं, तो अगर मोल्ड्स भी हैं आपके पास तो भी, मैं आपको बता रही हूँ तो 2 चॉकलेट काफ़ी रहेंगी, बट मैंने 3 का यूज़ किया है। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का ग्लास लिया है, उसमें मीडियम साइज़ का मतलब ग्लास, एक गिलास दूध ले लिया है। साथ में मैंने डाल दिए शुगर, शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। और उसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर ले लूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से डालेंगे किसी भी चीज़ में मिल्क पाउडर, तो इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, और बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हम आइसक्रीम के लिए, जो हम अभी आइसक्रीम के लिए दूध रेडी कर रहे हैं, उसमें हम इसको मिला देंगे, और अच्छे से जो आइसक्रीम वाला दूध है उसे पका लेंगे। पका लेंगे मतलब आधा कर लेना है हमें। इससे क्या होता है ना, मिल्क पाउडर से सॉफ्टनेस आती है। अगर हम कोई भी आइसक्रीम बना रहे हैं या फिर कोई भी स्वीट बना रहे हैं, स्वीट डिश कोई भी, उसमें मिल्क पाउडर थोड़ा सा अगर ऐड कर लेंगे, तो उससे जो भी स्वीट डिश है या फिर आइसक्रीम है वो सॉफ्ट रहेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से चला लेंगे और अच्छे से सारी चॉकलेट मिक्स हो जाएगी। अपने आप गर्म जब हो जाएगा दूध और चॉकलेट, तो आसानी से मिक्स हो जाएगी। अब इसे हम, ये रेडी हो चुका है दूध, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जो यूज़ एंड थ्रो वाले कॉफ़ी कप हैं, उनमें मैंने थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट लगा ली है। किसी चीज़ से नहीं लग पा रही थी, तो मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से इसमें अच्छे से लगा दी है। और अभी कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं लगी, मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें क्या किया था, जो हर्शीज़ है उसको मैंने ले लिया, और थोड़ा थोड़ा सा हर्शीज़ को इस तरीके से इसमें डाल दिया, और बहुत अच्छे से चॉकलेट का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैंने लगा लिया फिंगर की हेल्प से। एक को मैंने रहने दिया, एक में मैंने हर्शीज़ नहीं लगाया, इसको सिंपली रहने दिया, क्योंकि मैं टेस्ट देखूंगी दोनों का कैसा है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो चॉकलेट इस पे ऊपर से लगा भी सकते हैं, और विदाउट चॉकलेट भी कॉफ़ी कप्स को रख सकते हैं। अगर आपके पास मोल्स हैं आइसक्रीम सेट करने के लिए, जो भी चीज़ आप उसमें डाल सकते हैं। और जो मैंने दूध रेडी करके रखा है वो मैं इसमें डाल दूंगी, तीनों में बराबर बराबर इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और हम रख देंगे एक दिन, मतलब 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में। टेम्परेचर बिल्कुल हाई कर देना है उसका, और 5 से 6 घंटे में हम देखेंगे कि आइसक्रीम जम के रेडी हो गई है। और अगर इतनी आसानी से आइसक्रीम अगर घर पर बन रही है, तो बनाने में क्या ही प्रॉब्लम है, हम मार्केट से क्यों ही लेकर आएँ। सिर्फ 10 से 15 मिनट ही तो लगेंगे ना बनाने में, बच्चों को हम अच्छी चीज़ भी दे पाएंगे और हम भी अच्छी चीज़ खा पाएंगे। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने घर पर ही बनाएं। तो चलिए, ये चीज़ तैयार हो गई है, मैंने ऊपर से लगा दिया है इसके फॉइल पेपर, और मैं लगा दूँगी इसमें आइसक्रीम स्टिक्स, और हम रख देंगे इसको फ्रिज में। अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कर लेते हैं ठीक। तीनों में मैंने इसी तरीके से लगा दिया है, और मेरी एक स्टिक बार बार टेढ़ी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी सीधी। तो चलिए फ्रीज़र में इसको रख देते हैं। ये मैंने रख दिए हैं आइसक्रीम को फ्रीज़र में, 6 घंटे के बाद हम देख लेते हैं, 6 से 7 घंटे। आइसक्रीम बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो चलिए गाइस, आप भी बना लीजिए और एंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलेंगे, बाय बाय।